उत्तराखंड के जोशी मठ में लोगों के सर से डर का साया हटने का नाम नहीं ले रहा। कितने घरों से लोग बेघर हो गए, कुछ ने राज्य को छोड़कर दूसरे जगह शरण ले ली। और अब जो हमारे बीच तस्वीरें आई हैं, उन्होंने एक बार फिर लोगों के मन में लगी चोट के घाव ताजा कर दिए हैं। इसका कारण है बद्रीनाथ हाईवे पर जोशी मठ मारवाड़ी के बीच की ये सड़क, जहाँ कुछ दरारें देखने को मिल रही है। प्रशासन का कहना है कि सड़क पर आई इन दरारों में से कुछ तो पहले की दरारें थी। हालांकि सड़क पर आई इन दरारों को अब सही कर दिया गया है और आवाजाही में भी लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा। प्रकरण संज्ञान पे आने पर संबंधित अधिकारियों को भेजा गया वहाँ पर, और कल बीआरओ की टीम और एसडीएम ने संयुक्त निरीक्षण किया है और उन्होंने बताया है कि जो ट्रीटमेंट करना था उन्होंने कर दिया है। आज की स्थिति यह है कि हर तरह के व्हीकल के लिए रोड उपयुक्त है, चिंता की अभी फिलहाल कोई बात नहीं है। ये जो है जो हेलेंग्स टू मारवाड़ी के इन बिटवीन क्रैक्स थे, ये कुछ पुराने भी क्रैक्स उसमें थे, उसका उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया है। और चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए? बिल्कुल, चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए जो भी रोड की कंडीशन है उसको सही किया जा रहा है। संबंधित एजेंसी अपना काम कर रही है। बीआरओ की टीम ने भी काफी कुछ बर्फ को हटा दिया है और टॉयलेट्स के भी काम कंप्लीशन के कगार पर हैं। सारे एसडीएम्स ने अपने स्तर पर बैठक कर ली है। राशन की पर्याप्त व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की जा रही है और हमारी जो तैयारियां हैं वो हमने चार बैठकें कर ली हैं। तैयारियां हमारे लगभग ऑलमोस्ट हम समय रहते हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियां भी प्रशासन की तरफ से लगभग पूरी की जा चुकी हैं।